भाई साहब पहले हॉर्न चेक करो आप लोग, ये बड़ा वाला हॉर्न बजेगा, देखो बड़ा वाला हॉर्न बज रहा है। अभी इसे इस साइड में करेंगे तो ये कंपनी वाला हॉर्न बजेगा, देखो अभी कंपनी वाला हॉर्न बज रहा है। दोनों हॉर्न ये रहे, एक ये है और एक ये है हॉर्न। अभी दोनों हॉर्न की वायरिंग कैसे करना है आगे वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इन दोनों हॉर्न की और ओरिजिनल जो हॉर्न होता है उसकी वायरिंग कैसे करना है। और एक ये देखो, ये है बटन, ये ऑन ऑफ ऑन, थ्री पॉइंट का बटन है, ऑन ऑफ ऑन, ये देखो ऑफ ऑन ऑन, तो कुछ इस तरीके से बटन रहने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास बजाज की सिटी 110 सीसी बाइक है और इस बाइक में हॉर्न लगाना है। तो इस बाइक में हॉर्न वगैरह कुछ भी नहीं बज रहा है, कुछ भी बज ही नहीं रहा है, तो इसका ये जो हॉर्न लगाना है मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि हॉर्न लगाना कैसे है, वायरिंग कैसे करना, क्या क्या सामान लगेगा वायरिंग में। ये एक बटन लगेगा जो ऑन ऑफ ऑन, थ्री स्विच का बटन रहता है, थ्री पिन का बटन है, और यहाँ पे देखो ऑन ऑफ ऑन, तो बीच में ऑन होता है, दो साइड में ऑन होता है, तो ये एक बटन है। और दो हॉर्न इसमें जो बड़े वाले हॉर्न है दो, ये एक ये क्लिप है अर्थ के लिए क्लिप है, और इस एक इसमें रिले लगेगा, हॉर्न रिले, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये दो हॉर्न है इसमें जो हम इसमें हॉर्न लगाने वाले हैं, ये वॉइस टोन काफ़ी तेज बजते हैं जो, वो हॉर्न लगाएंगे। इसमें दो हॉर्न है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों हॉर्न को लगाएंगे। और जो कंपनी का हॉर्न है, जो कंपनी हॉर्न लगा के देती है, वो भी चलना चाहिए और ये भी चलना चाहिए, और दोनों अलग अलग चलना चाहिए। मतलब जब हम चाहें तो इन्हें बजाएं और जब हम चाहें कंपनी वाला तो उसे बजाएं, तो इस तरीके से वायरिंग होने वाली, वायरिंग में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना। इसमें जो जो सामान लगने वाला है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारा सामान, टेप, वायर, क्लिप, बटन और हॉर्न क्लिप, हॉर्न सारा कुछ। ये वाला हॉर्न भी बजाना साथ में, ये भी हॉर्न बजना चाहिए, दो हॉर्न जो हम लगा रहे हैं वो भी बजना चाहिए, और दोनों की वायरिंग अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके से कस्टमर ने कहा है तो उसी तरीके से सेम वायरिंग करेंगे। पहले हॉर्न को फिटिंग कर लेता हूँ, हॉर्न इन दोनों पट्टी में फिटिंग होगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये हॉर्न है और ये पट्टी मैंने लगाई है इस जगह पर, तो यहाँ पर हॉर्न सिंपल सा सेट हो जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो पट्टी है, तो दोनों हॉर्न को कर लेते हैं सेट। बाकी वायरिंग मैं आप लोगों को पूरी बताऊँगा, पहले हॉर्न को फिट कर लेते हैं। हॉर्न हमारे दोनों फिट हो चुके हैं, ये और ये दोनों फिट कर लिया है। अब इसकी वायरिंग आप लोगों को समझना है, वायरिंग समझ लोगे तो आसानी से वायरिंग कर सकते हो। तो चलो ये सबसे पहले हम बटन को निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं, कैसा बटन है और कैसा लेना है आप लोगों को बटन। ये देखो ये थ्री पिन वाला बटन है, बीच में इसे ऑफ है, ये बीच में ऑफ है, ये ऑन हुआ और ये ऑफ हुआ और ये फिर से ऑन हो गया, तो इस तरीके का काम करता है ये बटन। अब बटन की वायरिंग पहले कर लेते हैं, पहले यहाँ से सारा कुछ खोल लेते हैं बटन का। देखो आप लोग वीडियो पे बने रहना, वीडियो लंबी होगी लेकिन नॉलेज बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इसे खोल लेते हैं और यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ है बटन का इसे खोल लेते हैं, ये इसे बाहर निकालते हैं, और इसमें एक पट्टी लगेगी ये भी, क्योंकि बटन को रोकने के लिए पट्टी चाहिए ना, ये पट्टी है, और ये यहाँ पर लगाना है ये। अब इसका हम जो बोल्ट खोले थे वो बोल्ट लगा के इसे टाइट करते हैं, पहले इसे कर लेते हैं कंप्लीट। ये जो स्क्रू है, ये वाला स्क्रू हम बाद में सेट करेंगे, बटन जब लगाएंगे जब सेट करेंगे। अभी इसमें वायरिंग, तीन वायर जॉइंट करना है। वायर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी वायर लेना है। भाई साहब ये जो वायर है देखो काफ़ी ज़्यादा जाड़ी वायर रही है, और 25 रुपये की मीटर की वायर है, 1 मीटर 25 रुपये की है वायर, बहुत तगड़ी वायर है और काफ़ी मोटी वायर है, तो तीन वायर बना लेना है लंबी लंबी। देखो लंबी वायर बनाना है ताकि जो हमको ऊपर हैंडल के पास से हॉर्न तक आ जाए, इतनी बड़ी वायर करना है एक वायर को, तो तीनों वायर को इसमें जॉइंट कर लेना बटन में, यहाँ पे स्क्रू खोलना और स्क्रू को वायर को लगा के स्क्रू को टाइट कर देना है, तीन वायर को जॉइंट कर लेना है, ये एक और दूसरी और तीसरी जॉइंट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारी तीनों वायर जॉइंट हो चुकी हैं, अब जो बीच वाली वायर है ध्यान करना, बीच वाली जो वायर है इसे यहाँ पे लाके
यहाँ पे बांध देना है ये, ताकि ये याद रहे कि हाँ जो बीच में वायर लगी है वो यही वाली वायर है ना, इस वजह से यहाँ पे हमने बांध दिया। अब यहाँ से लेके पूरी वायरिंग को टेपिंग करना है यहाँ तक, ये चलो पूरी वायर को टेपिंग कर लेते हैं, ये वायर को पूरी टेपिंग कर लेते हैं और इसे लगाना यहाँ पे, ये बोल्ट खोल के 10 नंबर का यहाँ पे लगा के टाइट कर देना और वायरिंग में पूरा टेप मार लेना। चलो पूरी वायरिंग को टेप करते हैं और बटन को वहाँ पे लगा के यहाँ से वायर लेकर यहाँ नीचे तक लेके आते हैं वायर को। अब यहाँ पे हमने बटन को तो कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे हमने बटन को लगा दिया है। अब इसकी वायरिंग जो है मैंने टेप भी मार ली है पूरी वायरिंग में, देखो टेप मार के, और यहाँ पे मैंने टाई भी एक लगा दिया है ताकि वायरिंग इधर उधर ना हो। यहाँ से लिया अंदर अंदर यहाँ तक लेके, यहाँ से ये निकाला और ये, इसे वापस से हम कर देते अंदर। यहाँ पे मैंने क्लिप भी लगाई है, ये देखो 3 वायर है, एक ये वायर है इसमें मैंने क्लिप लगा दिया हॉर्न वाली, और ये बीच वाली है तो इसे इसमें मैंने अभी क्लिप नहीं लगाया है, ये इसमें क्लिप लगाया। और जो तीसरी वाली वायर है इसको यहाँ पे क्लिप लगा, यहाँ से 2 वायर कर लिया है, देखो 2 वायर ज्वाइन किया है इस वाली क्लिप में। और ये वाली जो वायर है इसमें सिंगल है, इसमें सिर्फ क्लिप ज्वाइंट हुई है, और ये वाली तो अभी बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखो ये जो ओरिजिनल वायर है इसे मैं निकाल लेता हूँ, पहले कंपनी वाले जो हॉर्न की वायरिंग ओरिजिनल है उसे निकाल लेता हूँ, इन दोनों को बाहर कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। एक वायर में जो मैंने क्लिप लगाई है, ये वायर में क्लिप लगाई है, ये जो हॉर्न से सीधा आई है, तो इसको यहाँ पे ओरिजिनल हॉर्न में एक क्लिप में लगा देना है। ये मैंने एक क्लिप में लगा दिया ओरिजिनल हॉर्न में, है ना, आप लोगों ने देखा ओरिजिनल हॉर्न में एक वायर लगा दिया है। अब बची हमारी ये वाली, इसमें मैंने 2 जॉइंट किया था, है ना, तो एक यहाँ पे लगेगी इस वाले हॉर्न में, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओगे वायरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्लिप यहाँ पे लगेगी, इस क्लिप में मैंने 2 वायर जॉइंट किया है, तो एक क्लिप इस वाले हॉर्न में, एक क्लिप लगेगी दूसरे वाले हॉर्न में, इस वजह से 2 वायर जॉइंट करना पड़ा। यहाँ पे इसे रखते हैं, बाद में पूरी वायरिंग की सेटिंग करेंगे, ये सारी जो क्लिप है ये सारी बंद होंगी। चाबी को ऑन नहीं रखना है, चाबी को ऑफ ही रखना है, जब भी वायरिंग या कोई भी काम करो चाबी को ऑन कर देना वायरिंग का। दूसरी वाली जो वायर थी इसको लेके जाना हमको दूसरे वाले हॉर्न तक, दूसरी वाली हॉर्न तक लेके जाना और हॉर्न की क्लिप में लगा देना है। इस वाले हॉर्न से हमने 2 वायर लिया है, याद रखना। और ये जो वायर आई है सीधा बटन से आई है, बीच वाली जो वायर थी वो अभी तक हमने उसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 वायर में किया है, बटन से जो 3 वायर निकाली थी उसमें से 2 वायर में हमने किया है, एक हमने ओरिजिनल हॉर्न में दे दिया और जो 2 अलग से हमने हॉर्न लगाए हैं उनमें हमने एक एक वायर दे दिया। अभी एक वायर हमारी बची, एक क्लिप से एक वायर से 2 वायर करना, एक इसमें जाएगी और एक उसमें गई। इतना समझ गए होगा आप लोग, है ना, ये चीज़ तो समझ ही गए होगे कि कैसे वायर मैंने लगाए, यहाँ पे निकाल दिया मैंने, इसके बगल में लगा दिया। अब यहाँ पे हमारी लगेगी एक अर्थिंग, तो अर्थिंग देख लो आप लोग कैसे मैंने बनाया है। एक क्लिप यहाँ पे जॉइंट किया, एक ये अर्थिंग हो गई, ये अर्थ हो गई, एक क्लिप यहाँ पे और एक क्लिप ये, तो अभी हमारे तीनों हॉर्न में अर्थ देना बाकी है ना। एक एक तो हमने मेन वायर इसमें लगा दिया है, अब इसे समझना अर्थिंग वाला। अर्थिंग वाली ये पूरी लाइन है वायरिंग की जो मैंने खुद बनाई है, और वह टेप भी मार लिया देखो क्लिप के पास। एक वायर इस जगह पे, इस वाले हॉर्न में, ये अर्थिंग का पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, एक ये और अब एक ओरिजिनल जो ये वाली वहाँ पे जाएगी उस वाले हॉर्न में, चलो उस वाले हॉर्न में एक जाएगी, तो इसे यहाँ पे लेके सीधा उस वाले हॉर्न में लगा देना है। अब यहाँ पे लगाते हैं, ये देखो ये अर्थ लग रही है, अभी ये अर्थ लग गई है, एक ये लग गई, दोनों यहाँ पे क्लिप लग गई और यहाँ पे भी 2 क्लिप लग गई। अभी एक लगाना ये जो क्लिप है तीसरी वाली, ये लगाना है कंपनी वाले हॉर्न में, ये यहाँ पे इसे लगा के और इसे बस फंसा देना है, ये लग गई। 3 वायर हमने अर्थिंग बनाई थी, है ना, सारा कुछ समझ लेना, बाद में प्रॉब्लम होगी अगर गलत वायरिंग हो गई तो। अब ये जो अर्थिंग है मैं यहाँ पे इस वाले बोल्ट में दे रहा हूँ, देखो अर्थिंग भी मैंने अर्थिंग की प्रॉपर क्लिप लगाई है, ये नहीं कि खाली वायर बोल्ट खोला वायर को फंसा दिया, नहीं पूरी क्लिप लगाई है ताकि जो प्रॉब्लम ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो कहीं से भी, है ना, BS6 बाइक की कहीं से प्रॉब्लम ना हो, तो ये टाइट हो गया। अब ये जो बीच वाली वायर थी जो बटन से आई थी उसमें मैंने गांठ मार दिया था,
ताकि ये चीज़ याद रहे कि हाँ ये बीच की वायर है। तो अब इसे हम खोल लेते हैं, क्योंकि अब ये तीनों वायर सेम थी इस वजह से मारना पड़ा। अभी इसमें हमको लगाना है एक क्लिप, जो हॉर्न क्लिप होती है वो लगाना है। ये बीच की वायर है, इसे प्लस से ये दबाते हैं और इसे दबा के यहाँ पे लगाते हैं। ये पूरा भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो ये हमने क्लिप लगा दिया है। अब एक वायर को और छीलते हैं यहाँ से, ये दूसरी वाली वायर है, ये अलग से वायर है, ये भी बिल्कुल अलग से, इसमें क्लिप लगाना है। ये अलग से लेना है वायर को। हमने हॉर्न की वायरिंग तो कर ही दी है, पूरी हॉर्न की वायर हो चुकी है कंप्लीट, तीनों हॉर्न की। अभी इसमें सिर्फ रिले की वायरिंग बची है, तो अलग से ये वायर लिया था। ये देखो, ये अलग से, ये अलग से, अलग से है ना। ये वायर कहाँ लगेगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो पहले इसे छील लेता हूँ, इसे ये हो गया। देखो काफ़ी ज़्यादा जाड़ी वायर लगाना, पतली वायर मत लगाना। इस तरीके से क्लिप में टेप मारा था, ये देखो, ताकि ये कहीं पे टच ना हो, बॉडी अर्थिंग ना पाए, कहीं से टच ना हो। ये देखो सारी वायर में इसी तरीके से टेप मारा था। ये देखो इसमें भी मारा, ये पूरी, और इसमें भी पूरी मार दिया था। देखो पूरी टेपिंग कर दी है। अब ये जो वायर है अलग से, जिसमें मैंने क्लिप लगाई है एक, वो हमारी बैटरी से सीधा जाएगी रिले में। रिले भी दिखाऊंगा कैसे लगाना है आप लोगों को। पहले क्या करते हैं, इसका रिले ही लगा लेते हैं। तो ये है रिले, देख लो, ये रिले 4 पिन का रिले है, ये 80 या 90 रुपए का मिलता है। और रिले भी लगाना है तो अच्छा वाला लगाना। अब जो ओरिजिनल हॉर्न की वायरिंग जो दो आती हैं कंपनी से, एक इसमें लगाना है और एक इसमें लगाना है। ये रिले की वायरिंग बची है, तो चलो एक वायर देखो, कंपनी के जो वायर हॉर्न की वायर आती हैं उसी में से दो वायर हैं, दो वायर को रिले में इस तरीके से लगाना है। देखो एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया हॉर्न की वायरिंग। अब ये जो बीच से वायर आई थी, बटन से बीच की वायर जो आई थी, वो यहाँ पे लगेगी। जब हमने बटन से वायर एक लाया था जिसमें गांठ मारा था, वो वाली वायर इसमें लगाया है रिले में। अब एक वायर यहाँ पे, एक क्लिप यहाँ पे लगेगी, जो ये मैंने अलग से बनाई थी क्लिप, इसमें लगाना है। ये लग गई। अब ये सीधा जाएगी बैटरी में, बैटरी के लाल वाली वायर में, मतलब प्लस में। तो इसे अंदर अंदर लेना है ताकि बाहर ना दिखे। और अभी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वायरिंग दिखेगी, देखना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं इसे यहाँ पे लगा के और इसे प्लस वाली में टाइट कर देता हूँ, लूज करके इसे टाइट कर देता हूँ। तो ये देखो, स्क्रू लूज करके प्लस वाली लाइन में एक वायर को हमने टाइट कर दिया। अभी वायर देखो इतनी ज़्यादा बाहर वायरिंग है, ये सारी अंदर हो जाएंगी, एक भी वायर मालूम नहीं पड़ेगी। इसको पूरा जो है वायरिंग हो चुकी, पूरी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब जस इसमें हमको करना है टेपिंग करना है। सारी वायरिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे वायर को करना है, तीन हॉर्न को अलग अलग कैसे बजाना है, दो हॉर्न को अलग अलग कैसे बजाना है ना। अब यहाँ पे रिले टाइट होगा, वो मैं आप लोगों को सारी दिखा दूंगा। पहले मैं इसे कंप्लीट वायरिंग वगैरह कर लेता हूँ, सारी वायर को छिपा देता हूँ अंदर। तो अभी देखो यहाँ पे सारी वायर छिप गई हैं और वायरिंग भी हो चुकी है। देखो सारी वायर छिप, यहाँ टाई बेल्ट से टाइट कर दिया है, ये अंदर ही अंदर उस वाले हॉर्न में चली गई। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वायर दिख रही थी, वायरिंग की बहुत ज़्यादा दिख रही थी, वो सारी वायर बंद हो चुकी हैं। इसका रिले देखो इस जगह पे हमने टाइट कर दिया, हॉर्न में ही रिले को टाइट कर दिया, रिले भी इधर उधर नहीं जाएगा। बाकी पूरी वायरिंग अंदर अंदर हो चुकी है, कुछ जरा से भी नहीं दिख रहा है। अब हॉर्न को बजा के चेक करना है, तो चलो हॉर्न को चेक करते हैं और आप लोगों को चेक भी करा देते हैं। यहाँ पर हमारी चाबी ऑन हो गई, न्यूट्रल लाइट जल गई। इस बटन को ऊपर की तरफ रखते हैं और अब हॉर्न को बजाते हैं। चलो तो यहाँ पे 1 2 3, चलो अब बजाते हैं, सुनो आप लोग। अब यहाँ से चलो कंपनी वाला हॉर्न बजाते हैं, इस साइड से कंपनी वाला बजेगा। अभी ये वाला हॉर्न बज रहा है कंपनी वाला, ये हॉर्न अलग बजेगा, कंपनी वाला हॉर्न अलग बजेगा।
और अगर हम इसे यहाँ पे रखेंगे बीच में तो कोई भी कुछ भी नहीं चलेगा। ये देखो कुछ भी नहीं चलेगा, बीच में ऑफ है, बाकी आउट साइड में ऑन ऑन है। बीच में रखोगे ऑफ हो जाएगा। ये देखो कंपनी वाला बज रहा है। और जैसे हम इसे ऊपर की साइड में लेकर एक बार और अब बजेगा। तो चाबी को बंद करते हैं और अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ वायरिंग आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, 100% आप लोगों को वायरिंग पूरी समझ में आ जाएगी कि वायरिंग कैसे करना है। अभी वायरिंग हमने जैसे किया कि जब भी हम चाहें तो बड़े वाले हॉर्न बजा सकते हैं और जब चाहें कंपनी वाला हॉर्न बजाने के लिए तो कंपनी वाला भी हॉर्न बजा सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगा कि जब भी हम चाहें जैसा हॉर्न बजा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे रही आप लोग मुझे कमेंट से करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।